और अचानक वो अडानी अपने वादे से पलट जाता है, वो अडानी अपने समझौते से पलट जाता है, वो अडानी अपने किए गए एग्रीमेंट से पलट जाता है। यह समझौता तय किया गुजरात की सरकार और अडानी ने मिलकर, और पेमेंट होता रहा। हैरान होंगे आप सुन के, 2018 से 2023 तक पेमेंट होता रहा। अडानी ने कहा इतने में कोयला खरीदा, बोले जी हुजूर लीजिए पैसा, बोले इतने में खरीदा, बोले लीजिए हुजूर पैसा लीजिए, बोले इतने करोड़ में खरीदा, बोले लो पैसा लो। कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां? छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो, तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो, झारखंड के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ में, कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो। तुमको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता? ये इनकी चिट्ठी है गुजरात के सरकार की, और ये गुजरात सरकार की चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये इसकी चिट्ठी है। और कब लिखा इन्होंने, तारीख बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 15 मई 2023 को, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है अडानी के खिलाफ, सेबी जांच करने के लिए कहा गया है, सेबी जांच कर रही है, जब लगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, जब लगा अडानी तो जाएगा ही, इसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे, तो 5 साल तक तो लूट करते रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब इन्होंने ये चिट्ठी लिखी कि भैया 3,802 करोड़ रुपया आपने हमसे ज्यादा वसूल लिया है, और इसको वापस करिए हमारे।